मैं अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको खूब दौलत से नवाजे, इसलिए कि यह बंदा जब पैसे लुटाता है तो जेब में हाथ डाल करके देखता नहीं कि कितने पैसे आ रहे हैं, जितने आते हैं उतने देता है। शायद पूरी दुनिया घूमने के बाद भी वो वक्त सारा भूल जाऊँ मैं, लेकिन सर के साथ गुजारा हुआ एक महीना कभी नहीं भूल पाना जिंदगी। जिस तरह से आपने जो बातें रखी यहाँ पर, कमाल स्टेज पर आकर सर की तारीफ करना नहीं है, कमाल तो जब है जब लोग आपके कैरेक्टर को देखकर मेरे टीचिंग्स की तारीफ करें। نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب हम सब लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं बड़े आसानी से आ गए कि रात को वीडियो देखा, सुबह को एडमिशन ले लिया, शायद ही आगे नहीं होगा। आप लोग लिख लें मेरे बात, आगे जाकर 1000 फॉर्म्स होंगे, एडमिशन सिर्फ 100-200 ही होंगे। इतनी आसानी से नहीं मिल पाना सर से कोई। सर की बातें बहुत सारी सुनी, बहुत अच्छा टाइम गुजारा साथ। शायद पूरी दुनिया घूमने के बाद भी वो वक्त सारा भूल जाऊँ मैं, लेकिन सर के साथ गुजारा हुआ एक महीना कभी नहीं भूल पाना जिंदगी। सब आकर स्टेज पे सर की तारीफ़ कर रहे हैं, सब पूरे स्टाफ की तारीफ़ कर रहे हैं। ये तो बड़ा आसान है यहाँ के तारीफ़ करना। कमाल जब है जब आप लोग अपने शहर लौटें और आपको देख के लोग सर की तारीफ़ करें। आज सर की वीडियोस देखकर लोग मोटिवेट हो रहे हैं, उनकी वीडियोस देखकर फ़ोन आ रहे हैं, एडमिशन्स ले रहे हैं। कमाल जब होगा जब हमें देख के लोग मोटिवेट होंगे और फिर उनके एडमिशन होंगे। यहाँ आके हमने क्या क्या सीखा और उसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा वो बताना चाह रहा था आपको। जिसका जो भी काम है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो हाउसवाइफ है, जो जो सर ने बताया वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी शुरू कर दे। फोकस है तो हर चीज़ पर फोकस। ऐसा नहीं है बिजनेसमैन इम्प्लीमेंट कर सकता है, ऐसा नहीं है दुकानदार इम्प्लीमेंट कर सकता है, हाउसवाइफ भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। और अपने आप को दुनिया में हर चीज़ में बेस्ट बनाने की कोशिश करें। हिंदुस्तान में 140 करोड़ आदमी हैं, सब लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट परफॉर्मेंस कुछ ही होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बेस्ट करते हैं। तो यहाँ इस स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से ये लेके जाएंगे हम कि हम सब लोग अपनी फील्ड में बेस्ट बनने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो। और अपने अखलाक को अपनी फैमिली में और दुनिया में साबित करके दिखाएंगे कि बाकी हम सर से कुछ लेके आए। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और सर का बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जिस तरह से लोगों की मदद की है उससे आप सब मुतासिर, मैं भी मुतासिर, लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो मैंने आप में देखी है वो ह्यूमिलिटी, इनके सारी ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। यानी पैसा वो चीज़ है जो इंसान को ओवरनाइट बर्बादी की तरफ ले जाती है। ये पैसा इंसान को जलील बना भी देता है और जेनरस भी बना देता है। देखिए, पैसा कमाना ज़िंदगी का असल मकसद नहीं है। ज़िंदगी का असल मकसद है इंसान बनना,
और इंसान के दर्द को समझना और उनको मदद करना। मदद सिर्फ पैसों से नहीं की जाती है, मदद एक अच्छी एडवाइस देकर भी की जाती है, क्योंकि अल्लाह सुबहानहू व तआला दिल की कैफियतों को जानता है। तो ये सिर्फ पैसों से हेल्प किए इसलिए मैं मुतासिर नहीं। इसके अलावा जो जिस तरह से ये स्टूडेंट्स को एवरी डे, आई डोंट थिंक ही मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटी, ये कॉन्वर्सेशंस करते हुए, लोगों को बात करते हुए, हर बंदे को, हर इन हाउस ट्रेनी को ये इंडिविजुअल इंट्रैक्शन करके मोटिवेट करने की कोशिश किए हैं, एक सही राह पर भेजने की कोशिश किए हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वरना जिनके पास पैसा होता है वो समझते हैं कि मैंने पैसे दिया, आई एम डन विथ माई जॉब, ही हैज़न्ट डन दैट पर्टिकुलर थिंग। ये पैसे तो लुटाए हैं, बहुत अपने अंदाज में हेल्प किए हैं, अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है, लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट्स को एक भाई बनकर, एक दोस्त बनकर मोटिवेट किए हैं, मुझे यकीन है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला वो लम्हात को, अल्लाह सुबहानहू व तआला देखा है और आपको खूब नेकियों से अल्लाह सुबहानहू व तआला नवाजेगा इंशाअल्लाह। और मैं अल्लाह सुबहानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको खूब दौलत से नवाजे, इसलिए कि ये बंदा जब पैसे लुटाता है तो जेब में हाथ डाल करके देखता नहीं कि कितने पैसे आ रहे हैं, जितने आते हैं उतने देता है। ये दिल की कैफियत होती है, ये जज्बात की कैफियत होती है। और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रियल फॉलोअर होता है ना, उसमें जज्बात होते हैं, वो जज्बात मैंने आप में देखे माशाल्लाह। और आप बड़े हैवी, बहुत स्मार्ट, अल्लाह नजर बस से बचाए आपको। और अगर आपके 10 फैक्ट्रीज हैं तो 1000 फैक्ट्रीज हो जाएं, वो 1000 फैक्ट्रीज इसलिए हो जाएं कि उसमें लाखों लोग काम करेंगे, तो लाखों माओं की दुआएं मिलेंगी, क्योंकि वो जब सैलरी लेकर जाएंगे तो वो सैलरी अपनी माँ को देंगे। तो आप जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके पास काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह वो आपका एक घर नहीं चल रहा है, एक फैक्ट्री नहीं चल रही है, हज़ारों घर चलाने वाले आप बन गए माशाल्लाह। मुझे यकीन है जो प्यार आपने यहाँ दिया है बच्चों को, अपने क्लासमेट्स को, वही प्यार आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लेबर्स को, अपने वॉचमैन को, अपने स्वीपर्स को भी देंगे इंशाल्लाह। और मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह से आपने जो बातें रखी यहाँ पर, यू हैव मेड मी स्पीचलेस इन फैक्ट आई वुड से, तो कमाल स्टेज पर आकर सर की तारीफ करना नहीं है, कमाल तो जब है जब लोग आपके कैरेक्टर को देखकर मेरे टीचिंग्स की तारीफ करें। माशाल्लाह आपने जो बात रखी है ना, इससे बेहतर बात शायद ही कोई रख पाएगा जो आपने रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह सुबहानहू तआला सबको कामयाबी से नवाजेगा, मैं दुआ भी करता हूं, और इसी तरह सारे स्टूडेंट्स की मदद करने वाले बन जाएं। और इंग्लिश हाउस एकेडमी की जानिब से हमने एक अवार्ड देने का फैसला लिया है, और उस अवार्ड का नाम है मिस्टर जेनरस। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस जेंटलमैन। मैं इंग्लिश हाउस एकेडमी की जानिब से मिस्टर खिजर हयात फॉर सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग द पार्टिसिपेंट्स थ्रू आउट द 1 month पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट वर्कशॉप, इंग्लिश हाउस एकेडमी ऑनर्स मिस्टर खिजर हयात विद एन अवार्ड मिस्टर जेनरस। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज कर रहे हैं। आपकी आपकी ख्वाहिश है कि ये अवार्ड मैं मेरे रूममेट्स के साथ में लेना चाहता हूँ। अब्दुल बासित, दोनों के आँख में भी आंसू है माशाल्लाह, अल्लाह दोनों को भी कामयाबी से नवाजा।